कई ऐसी कहानियां होती हैं जिसमें सामने वाले की सोच पर हैरत भी होती है, हैरानगी भी होती है, और लगता है कि ये कहां से ऐसे आइडियाज़ लोग लेकर आते हैं। कई हाईटेक बड़े बड़े शहरों में फिर भी समझ में आता है कि चलो वो लोग इन चीज़ों के करीब रहते हैं या बहुत कुछ जानते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू जानते हैं। लेकिन दूर दराज गाँव में एक पढ़ा लिखा इंसान भी नहीं, और वो किसी जुर्म को अंजाम देने के लिए जो दिमाग लगाता है, तो कई बार फिर वही सवाल आता है कि ये सब चीज़ें दिमाग में, जहन में आती कहाँ से। छत्तीसगढ़ में एक लड़के की शादी थी, और जिस इलाके में ये लड़का रहा करता था, छत्तीसगढ़ में एक डिस्ट्रिक्ट है, एक ज़िला है, कबीरधाम। ये पूरा कबीरधाम जो ज़िला है ये नक्सल प्रभावित एरिया है, यहाँ आसपास में नक्सलियों का बहुत ज़्यादा दबदबा है, जोर है, और अक्सर नक्सलियों का और अपनी फोर्सेस के साथ मुठभेड़ भी होता रहता है, तो आए दिन वहाँ खून भी होता है, धमाके भी होते हैं। तो इसी कबीरधाम में एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में एक लड़का था जिसका नाम था हेमेंद्र मेरावी। हेमेंद्र मेरावी के घर वाले उसकी शादी तय करते हैं। रिश्ता तय होता है मध्य प्रदेश के एक गांव जिसका नाम है अंजना, वहाँ की एक लड़की के साथ। हेमेंद्र ठीक ठाक अपनी नौकरी वोकरी भी करता था, घर वाले बहुत अमीर नहीं लेकिन ठीक ठाक थे, सभी उनके घर के बच्चे जो है वो अपने नौकरी पेशा थे, काम करते थे। तब बड़े बेटे हेमेंद्र, उस घर का बड़ा बेटा था, उसकी शादी थी, तो घर में बड़े बेटे की शादी में जैसा जश्न धूमधाम होता है आप समझ सकते हैं, पहली शादी, तो पूरी धूमधाम के साथ घर वालों ने शादी की। 31 मार्च को बारात छत्तीसगढ़ के इस कबीरधाम जिला के एक गाँव से मध्य प्रदेश के अंजना गाँव पहुँचती है। बारातियों का स्वागत होता है, तमाम शादी की रस्में पूरी होती हैं, तमाम तोहफे भी दिए जाते हैं, और शादी के उन तमाम तोहफों के साथ अब हेमेंद्र अगले दिन यानी 1 अप्रैल को बारात के साथ घर लौट आता है। चूंकि सब थके हुए थे, बाराती और ये तमाम लोग, तो खैर अगले दिन घर वो आता है। घर आने के बाद अब वहाँ उस गांव में, उस बिरादरी में एक रस्म है कि लड़की बारात के साथ तो जाएगी लेकिन फिर एक ही रात रुकेगी और एक रात के बाद कुछ दिनों के लिए वापस मायके आएगी। तो हेमेंद्र की पत्नी भी 1 अप्रैल को ये बारात वापस पहुंची, 1 अप्रैल को वहीं रही, 2 अप्रैल को वो अपने मायके चले जाती है, क्योंकि वो रस्म है और हर एक को पता है उनकी बिरादरी में, तो वो 2 अप्रैल को वापस अपने मायके चली जाती है। इसके 3-4 दिन के बाद अब दूल्हे को फिर वापस जाना है उसको लेने के लिए, तो वो वापस चली गई। अब तारीख आई 3 अप्रैल की, शादी का 3रा दिन, दुल्हन अपने मायके जा चुकी है, मेहमान भी सब लौट चुके हैं, अब घर के लोग ही हैं, तो अब ख्याल आया कि चलो थकान भी दूर हो गई, अब जो शादी में गिफ्ट्स मिले हैं, तोहफे मिले हैं, उनको देखा जाए, खोला जाए। अब दूल्हा, दूल्हे का भाई राजकुमार, उनकी सिस्टर का बेटा मतलब भांजा, और कुछ घर के करीबी रिश्तेदार लोग, वो सब घर के अंदर थे, और आमतौर पर जब शादी में मिले तोहफे या किसी भी मौके में मिले तोहफे को खोला जाता है, तो घर के तमाम लोग बड़ी चाहत के साथ उन तोहफों को देखते हैं। फिर कई जगह तो ये भी है कि उन तोहफों को देखा जाता है, जो लिफाफे मिलते हैं ये देखा जाता है, ताकि कल को उनके घर में ऐसा कोई फंक्शन हो तो जिस हैसियत से उन्होंने दिया आपको भी वो वापस देना पड़ता है। और ये तो बड़े बड़े घरानों में भी होता है कि अगर उन्होंने शादी पे 5100 दिए हैं तो आपको भी ये लौटाना है। तो 3 अप्रैल को शादी के तोहफे खोले जा रहे हैं, तमाम तोहफे देख लिए गए। अचानक एक कार्टून में बड़ा सा तोहफा था, बड़ी जिज्ञासा हुई। दूल्हे हेमेंद्र और उसके भाई राजकुमार ने अब उस कार्टून को खोला, जब बाहर निकाला तो देखा कि अंदर एक सोनी का म्यूजिक सिस्टम है। अब दोनों बड़े खुश, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतना महंगा तोहफा भी मिलेगा। अब उन्हें ये लगा कि ये पक्का उनके ससुराल वालों ने दिया है, यानी कि हेमेंद्र की पत्नी के घर वालों ने। तो बड़े चाव से अब उन्होंने म्यूजिक सिस्टम बाहर निकाला और ये हुआ कि अब चलो चेक किया जाए, गाना बजाया जाए। इसके बाद एक शख्स म्यूजिक सिस्टम को प्लग उसको लगाता है सॉकेट में, दूसरा ऑन करता है। जैसे ही म्यूजिक सिस्टम ऑन होता है एक जोर का धमाका होता है, धमाका इतनी तेज कि उस घर की छत उड़ गई, हालांकि मिट्टी की थी, दीवारें ढह गई, आसपास में दूर तक, बहुत दूर तक धमाके की आवाज गई, और ऐसा लगा कि बम से हमला हो गया है। अब चूंकि ये वो जिला है कबीरधाम, जो मैंने शुरू में कहा नक्सल प्रभावित एरिया है, तो अक्सर कई बार ऐसी आवाज़ें आती रहती हैं जब पुलिस से नक्सल और उनके बीच मुठभेड़ होता है तो वो बम भी चलाते हैं। तभी अचानक धमाका हुआ, धमाके की आवाज़ सुनकर आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए।
कुल मिलाकर 8 लोग इस धमाके में जख्मी हो गए जो उस म्यूजिक सिस्टम के आसपास थे या दूसरे कमरे में थे। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा जो चोटें आई वो दूल्हे हेमेंद्र को और उसके भाई राजकुमार को, ये दोनों म्यूजिक सिस्टम के सबसे करीब थे। इनका भांजा प्लग लगा रहा था तो थोड़ी दूरी पर था, वो तीसरा था जिसे सबसे ज्यादा चोट आई। फौरन इन तमाम लोगों को पड़ोसियों की मदद से अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जख्म गहरा था हेमेंद्र और उसके भाई राजकुमार यानी दूल्हा और उसके भाई का। अस्पताल जाने के थोड़ी देर के बाद दूल्हे की और उसके भाई की मौत हो जाती। भांजा क्रिटिकल था, 5 और लोगों को भी गंभीर चोट लगती है। 6 लोग अभी भी अस्पताल में दाखिल हैं। अब उन्हें निकालकर बड़े अस्पताल में ले जाया गया है। अब इस धमाके की खबर के बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है। जब पुलिस पहुंचती है, घर का मंजर देखती है, हालत देखती है, तो पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं और सीधे पुलिस का यही ख्याल कि नक्सल का मामला है, नक्सल वालों ने यहां बमबारी की है। पुलिस ने तमाम लोगों से पूछताछ की, घर का मुआयना किया। अब यह पता करना शुरू किया कि हेमेंद्र के घर वालों का नक्सलियों के साथ क्या दुश्मनी है। इसी लाइन पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। अब पुलिस पूरे मामले को नक्सल की तरफ ले जाकर, और नक्सल के पहले कभी इन्होंने इस घर वालों ने, क्योंकि ये वो इलाका जहां पे बहुत सारे लोगों को नक्सलियों ने इसलिए मार डाला क्योंकि उन्हें शक था कि ये मुखबिर हैं, पुलिस को मुखबिरी करते हैं, तो ये था कि इस घर वालों के रिकॉर्ड निकाले गए कि क्या ये लोग कभी पुलिस की मुखबिरी इन्होंने पुलिस को की है। अब पुलिस खुद अपने बारे में पता कर रही है। पता चला कि इन लोगों का इन चीज़ों से कोई दूर दूर तक का रिश्ता नहीं है। बड़े साधारण परिवार, अपने काम काज, नौकरी और घर परिवार, इससे अलावा इनका कोई मतलब नहीं। न नक्सलियों से दुश्मनी की कोई वजह सामने आई। अब पुलिस तफ्तीश कर रही है और कोई सबूत नहीं मिल रहा है। अब इसी दौरान में पुलिस ने तमाम मौके से चीज़ें उठाई। तब ये तो एक तो धमाका कैसे हुआ, तो जब पुलिस ने सारी चीज़ें उठाई, फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया, तो पता चला कि जो ब्लास्ट हुआ है वो म्यूजिक सिस्टम के थ्रू हुआ है। अब पुलिस के लिए और अजीब बात कि छत्तीसगढ़ के एक दूर दराज कबीरधाम जिले के एक छोटे से गाँव और वहाँ एक म्यूजिक सिस्टम से धमाका, इतना दिमाग वाला क्रिमिनल यहाँ कहाँ से आया, और ये किसकी सोच हो सकती है, क्योंकि पुलिस की नज़र में ये सारी चीज़ें शहरों में और बड़े बड़े गैंग या अंडरवर्ल्ड, उन लोगों का तो ये हो सकता है तरीका, बट यहाँ जहाँ देसी बम चलता है वहाँ पर एक म्यूजिक सिस्टम के थ्रू धमाका करना, ये थोड़ी सी पुलिस के गले ये बात उतर नहीं रही थी। फिर भी पुलिस ने अब छानबीन की या पुलिस ने तमाम पड़ोसियों से पूछताछ की, रिश्तेदारों से पूछताछ की, दूल्हे के फैमिली से पूछताछ की, आपके दुश्मनी, उन्होंने कहा नहीं। तो फिर हुआ कि ये म्यूजिक सिस्टम आया कहाँ से। अब तब तक खबर मिल चुकी थी। इस खबर के मिलने के बाद लड़की वाले भी बदहवास, उनके ऊपर और भी पहाड़ टूटा। 3 दिन पहले शादी हुई, 3 दिन के अंदर वो बेचारी विधवा हो गई, वो बदहवास आए। खैर, पुलिस ने उनसे पूछताछ की, फिर पूछा कि आपने शादी में इनको गिफ्ट दिया म्यूजिक सिस्टम, घर वालों ने कहा नहीं, हमने तो कोई म्यूजिक सिस्टम नहीं दिया, और हमें जो कुछ देना था दे दिया लेकिन हमने म्यूजिक सिस्टम नहीं दिया। अब पुलिस यहाँ और चौंकी। इसके बाद फिर मेहमानों की लिस्ट निकाली गई कि कौन कौन ऐसे मेहमान आए थे जिन्होंने क्या क्या गिफ्ट दिया, क्योंकि मैंने शुरू में आपको बताया कि गाँव में या ऐसी जगहों पर बहुत सारी बिरादरियों में आज भी है कि शादी में या किसी और मौके पर, इवन बर्थडे में, सगाई में, अगर कोई किसी को गिफ्ट देता है तो बाकायदा उसके नाम वाम लिस्ट नोट करते हैं, क्योंकि कल को वापस उनके परिवार में ऐसा कोई फंक्शन हो तो आप लौटा सके। तो तमाम मेहमानों की लिस्ट निकाली गई, उन तमाम लोगों से पूछताछ हुई, पता चला किसी ने म्यूजिक सिस्टम नहीं दिया। अब म्यूजिक सिस्टम एक पहली बन गई कि म्यूजिक सिस्टम से धमाका हुआ, इस घर में आया और म्यूजिक सिस्टम तोहफे के तौर पर आया हुआ है, लेकिन कोई भी सामने आकर ये बता नहीं रहा कि म्यूजिक सिस्टम दिया किसने। अब पुलिस भी यहां पे बड़ी अजीब कि ये क्या बात है कि कोई तोहफा देता है और सामने भी नहीं आ रहा है। अब इत्तफाक से उस म्यूजिक सिस्टम जिस कार्टून में रखा हुआ था वो भी जल गया और बाकी चीजें हुई, लेकिन फिर भी उसमें एक जगह वो बच गया जिससे ये पता चला कि ये म्यूजिक सिस्टम किस शॉप से खरीदा गया था, उसका बाकायदा पता था। कंपनी तो सोनी थी लेकिन जो शॉप था उसका नाम और उसमें पता था, और वो मध्य प्रदेश के एक दुकान से खरीदा गया था, इलेक्ट्रॉनिक शॉप से। अब पुलिस उस पते पर पहुंचती है, जाकर पूछती है कि ये आपका एक म्यूजिक सिस्टम है और आपने इसे बेचा है, किसको बेचा है, कुछ पता है। दुकानदार सारी चीज़ें निकालता है, डिटेल निकालता है, चूँकि उसकी वारंटी गारंटी सब होती है। दुकानदार चेक करके बताता है, जी ये म्यूजिक सिस्टम 30 मार्च को हमारे यहाँ से खरीदा गया था, और जिसको इसने ख़रीदा था उस शख्स का नाम है सरजू मरकाम, 29 साल का एक नौजवान। पुलिस ने कहा ये सरजू मरकाम कौन है, गेस्ट की लिस्ट में देखा कहीं कोई नाम नहीं है। फिर पुलिस वापस जाती है, परिवार से बात करती है, रिश्तेदारों से बात करती है, लड़के वाले भी कोई नहीं जानते थे जो हेमेंद्र या उसके परिवार वाले कि ये सरजू मरकाम कोई शख्स।
अब कोई म्यूजिक सिस्टम दे रहा तो अनजान तो होगा नहीं, बेहद करीबी होगा, या तो दोस्त होगा करीबी, या रिश्तेदार होगा करीबी जो आपको ज़्यादा मानता हो, तभी आदमी ऐसे महंगे तोहफे देते हैं जानने वालों को, अनजान को तो कोई देगा नहीं। तो अब यहाँ पर चौंकने की फिर बारी पुलिस की थी कि जिस सरजू मरकाम ने ये गिफ्ट खरीदा उसका नाम कहीं गेस्ट लिस्ट में नहीं है, उसने कहीं तोहफे में वाले में भी लिस्ट में नहीं है। फिर पुलिस को लगा कि कुछ गड़बड़ है। अब पुलिस ने कहा चलो लड़की वालों की तरफ से, चूंकि सारे तोहफे लड़की के घर की तरफ से आए थे, तो अब लड़की के घर वालों से तफ्तीश करते हैं। अब पुलिस ने लड़की के घर वालों से पूछताछ शुरू की। जब लड़की के घर वालों से पूछताछ शुरू की तो सरजू मरकाम का नाम उनकी ज़ुबान पर आ गया। फिर उन्होंने बताया कि सरजू मरकाम जिस लड़की से हेमेंद्र की शादी हुई है, शादी से पहले सरजू मरकाम और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। हालांकि सरजू मरकाम खुद शादीशुदा, उसके दो बच्चे, लेकिन फिर भी उन दोनों का रिश्ता था। सरजू मरकाम उस लड़की से शादी करना चाहता था। सरजू मरकाम के घर वाले भी इस रिश्ते पे कोई आपत्ति नहीं थी कि दूसरी शादी कर ले, लेकिन लड़की उससे शादी नहीं करना चाहती थी। किसी बात पे झगड़ा हुआ, अब शादी नहीं करना चाहती थी। इस दौरान में लड़की के घर वालों ने हेमेंद्र मेरावी के साथ उसका रिश्ता तय कर दिया और वो खुशी खुशी शादी के लिए राजी हो गई। ये बात सरजू मरकाम को पता चली, उसने फिर लड़की को समझाया, डराया, धमकाया कि तुम मुझसे शादी करो, उसने साफ मना कर दिया, झगड़ा भी हो गया। अब इसके बाद शादी की तारीख 31 मार्च फिक्स हो गई। अब सरजू मरकाम ने कहा कि वो क्या करे। तो ये जब रिश्ते की बात आई और इन दोनों के बीच के कि पुराना रिश्ता था, दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, तो पुलिस को थोड़ी थोड़ी कहानी समझ में आई। तो अब घर वालों के इस इकरार के बाद अब सरजू मरकाम की तलाश शुरू हुई। सरजू मरकाम उसी गांव का था, लेकिन उस गांव में उस वक्त था नहीं, अंजना गांव में। तो पता चला कि वो कहीं बाहर नौकरी करता है, वहां से करीब 100 किलोमीटर दूर। पुलिस की एक टीम उस जगह पे जाती है। आखिरकार तलाश के बाद सरजू पुलिस के हाथ लग जाता है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर वापस लेकर छत्तीसगढ़ आती है, इसी कबीरधाम जिले के उस गांव में। अब वहां लाने के बाद अब सरजू से पूछताछ होती है, तब सरजू कहानी सुनाता है। आधी कहानी वही थी जो लड़की के घर वालों की थी कि मैं उससे प्यार करता था, मैं उससे शादी करना चाहता था, मेरी पहली पत्नी और परिवार वालों को भी आपत्ति नहीं थी, वो भी तैयार हो गए थे, मान गए थे, तो अब कोई अड़चन नहीं थी, लेकिन लड़की ने मुझसे शादी करने से मना कर दिया और ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। मैंने उसे काफ़ी समझाया, वो नहीं मानी और इसके बाद उसकी शादी तय हो गई। जब मुझे लगा कि उसकी शादी तय हो गई है तो फिर मैंने कहा कि मैं कुछ ऐसा करूं, क्या तो फिर उसके दूल्हे को मार दूं ताकि वो विधवा हो जाए और फिर मुझसे शादी कर ले। और गुस्सा ये भी था कि अगर इसमें हो तो दोनों ही मर जाए। लेकिन पुलिस ने पूछा कि तुम मारना किससे चाहते थे, तब उसने बताया पहले ये था कि दूल्हा और दुल्हन आमतौर पर जब तोहफे खोलते हैं, गिफ्ट्स पैक, तो साथ होते हैं। उसने कहा नहीं, मैं सिर्फ दूल्हा को मरना चाहता था, दुल्हन को नहीं। पहले यह था दोनों को मारना चाहते थे। तो उसने कहा तुम्हें कैसे मालूम कि दुल्हन, अगर तुम कोई बॉम्ब भेज रहे हो तो दूल्हा ही मरेगा, दुल्हन नहीं मरेगी, और ये बॉम्ब का आइडिया आया कहाँ से। सरजू ने बताया कि वो करीब 8-9 साल पहले मध्य प्रदेश के ही एक खदान में काम किया करता था, एक माइनिंग में, और माइनिंग में अक्सर पहाड़ या बाकी चीज़ें बारूद से उड़ाया जाता है। तो वहाँ उसे मालूम था, ये तरीका मालूम था कि बारूद का इस्तेमाल कैसे होता है। तो जिस माइनिंग में वो काम किया करता था, जिस खदान में, वहाँ इस तरह की पहाड़ियों को उड़ाने के लिए बारूद से अमोनियम नाइट्रेट, पेट्रोल, सुतली, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल हुआ करता था। तो इसे कुछ इसकी जानकारी थी। इसने कहा कि मैं चूंकि वहाँ काम कर चुका, मुझे सारी जानकारी थी। इधर शादी तय हो गई तो इसने कहा कि अब दूल्हे को रास्ते से हटाना ताकि वो लड़की वापस मेरी ज़िंदगी में आ जाए। ये वापस उसी माइनिंग में जाता है और वहाँ से ये अमोनियम नाइट्रेट चुराता है। अमोनियम नाइट्रेट चोरी करने के बाद करीब 1/2 kg लेकर आता है, फिर उसके बाद बाकी बारूद मिलाता है, और उसे मालूम था कि ये सारी चीज़ें कैसे बनती हैं, और कुल मिलाकर 2 किलो का एक बॉम्ब बनाता है। बॉम्ब बना लिया, अब इस बॉम्ब को वहाँ तक पहुँचाना है, ये काम कैसे हो। इसने कहा फिर इसके पास आइडिया था, वो ये कि एक म्यूज़िक सिस्टम खरीदेंगे, उसके अंदर इस बॉम्ब को फिट करेंगे और उसके अंदर इस तरह से वो रिमोट और सारी चीज़ें रखेंगे कि जैसे ही इस म्यूज़िक सिस्टम को कोई ऑन करेगा ये ब्लास्ट हो जाएगा। अब उसने म्यूज़िक सिस्टम में 2 किलो बारूद भरा, उसके बाद इस तरीके से उसने सारी चीज़ें की कि ऑन होते ही धमाका हो जाएगा। अब इस बारूद से भरे म्यूज़िक सिस्टम को उसने कार्टून में वापस पैक किया और उसके ऊपर रैपर लगाया जो शादियों में तोहफे में दिया जाता है, जिस तरीके वो सारी चीज़ें लिखी। अब यह है कि ये देगा और लोग पहचान जाएंगे कि उसी ने दिया था, तो पकड़ा जाएगा हादसे के बाद। तो उसने यहाँ भी होशियारी की। 31 मार्च की दोपहर की शादी थी, वहाँ गया और वहाँ जाने के बाद वहाँ शादी में बहुत सारे भीड़, बच्चे, सब कुछ थे। उसने एक बच्चे को बुलाया, उसने देखा कि जो लोग आ रहे हैं वो गिफ्ट जो है एक तरफ
मंडप के साइड में रखा जा रहा है। उसने एक बच्चे को कहा कि ये गिफ्ट है, ये तू मंडप के पास साइड में रख दे। उसने वहाँ तक देखना शुरू किया कि बच्चा सही जगह लेके जा रहा है। जब उसने देखा कि मंडप के तमाम बाकी तोहफों के साथ उसका तोहफा रख दिया गया, तब वो वहाँ से निकल गया। इसके बाद बारात जब लौटी तो दूल्हा अपने साथ ये तमाम तोहफे लेकर आया। अब यहाँ सवाल ये था कि अगर ये स्विच ऑन होगा तो दुल्हन ही बचेगी, ऐसा कैसे? तब उसने कहा कि दोनों सूरत थी, मुझे मालूम था कि दुल्हन भी मर सकती है, पर मुझे अफसोस नहीं होता क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया, लेकिन मुझे ज़्यादा उम्मीद ये थी कि वो नहीं मरेगी, दूल्हा मरेगा। उसने पूछा कैसे पुलिस ने, तो फिर उसने उसी रस्म की बात बताई। उसने कहा कि आमतौर पर जब ये बारात लौटती है तो सब थके हुए होते हैं, और ऐसे कई बारात मैंने देखे हैं, तो उस दिन कोई कुछ करता नहीं कि आप गिफ्ट खोल रहे हैं, मेहमान भी घर पर होते हैं। और अगले दिन दुल्हन को वापस अपने मायके लौटना था रस्म के हिसाब से, तो जब वो वापस मायके लौट आती तोहफा तभी खोलते वो लोग, तो इसका मतलब है दुल्हन वहाँ नहीं होती तो वो बच जाती, और जो उसने अंदाज़ा लगाया था वही हुआ। 31 मार्च की शादी हुई। इसके बाद 2 अप्रैल को दुल्हन अपने घर लौट आई। 3 अप्रैल की सुबह करीब 10:30 बजे ये तोहफा खोला गया और धमाका हो गया। तो उसने जो अंदाज़ा लगाया था वही हुआ, और अफसोस की बात यह कि इस धमाके में दूल्हा और उसके भाई की मौत हो गई। भांजे समेत 6 लोग अभी जख्मी हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। सरजू मरकाम को पुलिस ने पकड़ लिया। इससे पहले भी ऐसे कुछ हादसे हो चुके हैं, बल्कि 1-2 मैंने तो आपको पार्सल बम और उसकी कहानी सुनाई थी, लेकिन इसी मध्य प्रदेश में 2018 में एक डाक विभाग का बर्खास्त कर्मचारी था जिसके ऊपर कुछ इल्ज़ाम लगा था, तो उसने रेडियो बम कुरियर किया था, और जिससे मध्य प्रदेश के सागर में एक शख्स की मौत हो गई थी। इसके अलावा ओडिशा के ही एक जगह है पाटनगढ़ या पटनागढ़, वहाँ पे एक सेम इसी तरीके से एक दूल्हे और दादी को गिफ्ट में बम भेज कर फेंका गया था, और उन्होंने जैसे ही खोला धागा वो ब्लास्ट हो गया था। तो इससे पहले भी ऐसी चीज़ें हुई थी वहाँ पर, लेकिन ये म्यूज़िक सिस्टम में बम भेज कर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को वापस लाने की ये कोशिश, ये बेहद अजीब थी।